मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें UMB न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश के आसार, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा 27 जून से यूपी और उत्तराखंड में बारिश गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग का अपडेट है कि 26 जून को मॉनसून लखनऊ समेत कई जिलों में अपने आगमन की आहट करा देगा। इसके साथ ही मौसम विभाग का अलर्ट है कि राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने गरज और चमक के लिए उत्तर प्रदेश के 25 पूर्वी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, यूपी के 26 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से गरज और चमक के लिए उत्तर प्रदेश के 25 पूर्वी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर शामिल है। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो चुका है और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून के आने की तारीख भी बता दी है। IMD के मुताबिक मानसून 27 जून को दिल्ली NCR में दस्तक देगा। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही IMD ने अगले कुछ दिनों में मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 25 से 26 जून तक कोंकण, गोवा और कर्नाटक में होगी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 26 तारीख के दौरान कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 जून को मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में और 25 जून को दक्षिण गुजरात राज्य में तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उपमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि 27 जून से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश संबंधी गतिविधि तेज होने की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और गंगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और गरज साथ बौछारें पड़ सकते हैं। अगले 3 दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 28 जून के दौरान ओडिशा में भारी बरसात हो सकती है, वहीं बिहार और छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 27 और 28 जून को भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार में क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कहा कि पूरे बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है। इसका असर उत्तर बिहार में ज्यादा देखने को मिल रहा है। दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई हिस्सों में आज बारिश के आसार। बिहार में बीते कुछ दिनों से कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पटना में भारी बारिश समेत आंधी तूफान के आसार हैं। पटना में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है तो वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां देहरादून में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है तो वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें।